हे गाइस, इट्स स्केच फॉर आरबी हेयर और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप कैसे अपने किसी भी शाओमी, पोको, एमआई या रेडमी के फ़ोन से जो सिस्टम एड्स होती हैं उन्हें परमानेंट डिसेबल कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी स्टेप है। इसमें आपको किसी भी बूट लोडर अनलॉक की अपने फ़ोन को रूट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक पासवर्ड एंड सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको ये ऑथोराइजेशन एंड रेवोकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए। यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो MSA नाम की सर्विस है इसे रिवोक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये ऐप आपके फ़ोन में से डाटा कलेक्ट करती है जो कि आपके फ़ोन में एड्स दिखाने के काम आता है। तो आपको इसे रिवोक करने के लिए 9 सेकेंड का टाइमर मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ही रिवोक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुडंट रिवोक ऑथोराइजेशन लिखा आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा आए तो आप इसे दोबारा ट्राई कीजिए। 2-3 ट्राई के बाद ये रिवोक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिवोक हो गया है। इसके बाद बैक जाइए। बैक जाने के बाद आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे नीचे जाके आपको एक ऐड सर्विसेज नाम से टॉगल दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे इसे भी डिसेबल कर देना है। इसके बाद तीसरा और फाइनल स्टेप ये है, आपको बैक जाके एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर आपको रीजन में जाके यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर देना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई भी ऐड नहीं दिखेगी, चाहे वो मी वीडियो हो, मी म्यूज़िक हो या फिर कोई भी सिक्योरिटी एप्लीकेशन हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।